सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। शेर पर सवारी करते थे, जहां भी कहीं किसी से मिलने जाते कहते मैं बगैरा तू मेरे शेर के लिए गाय का इंतजाम करो। चलो तो उनको एक गाय देनी पड़ती, वो शेर खाता था। ठीक हो गया जी, वो शेर वो गाय खाता था। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल अगे भी टोरो। वो गौसे पाक से मिलने आए, उनके बारे में बताया गया कि जी ये शेर पर सवारी करके आते हैं। सर मुझे ज्यादा दे एक ट्राई, मैं भी मार ला। जी 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 जी। और कह रहे हैं कि जी मेरे शेर के लिए गाय। गौसे पाक ने फरमाया गाय दे दो। तो मौलवी की अकल पूरी जी होती है। गाय दे दी, ये अंदर आए मिलने, बाहर शेर खड़ा था, उसको गाय मिली तो वो आगे आगे चला गाय के ले जाके कि मैं अपना खाना खाऊं। कितनी कितनी बोटियां बनाई थी। गौसे पाक के दरवाजे पे एक कुत्ता बैठा था, वो पीछे चला गया। समझ आया करो मैं किधर ना ला रहा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। पीछे चला गया, शेर जा रहा है, गाय जा रही है, पीछे पीछे कुत्ता जा रहा है। तू समझा? जिस वक्त वो खुली जगह आ गई तो शेर ने सोचा कि मैं अब अपना काम करूं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, गाय खाऊं। वो कुत्ता उस शेर पर झपट पड़ा और उसने शेर को फाड़ डाला। रुको जरा, सबर करो, इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कुत्ते ने शेर को चीर फाड़ दिया। आला हजरत क्या फरमा रहे? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। Wait a minute. सर उन इंजीनियरिंग हो चुकी है, क्या करना, रुक जाओ। शेर वो के लोग देख के भाग रहे हैं, वो भाग नहीं रहा, वो उसको चीर फाड़ के, क्योंकि उसको किसकी हिमायत हासिल है। कहानी उन पीर साहब को पता चला कि ऐसा हुआ, उन्होंने गौसे पाक से माफी चाही। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, लोगों से गाय नहीं मांगूंगा, तौबा कराई। तो गौसे पाक ने उसके शेर को जिंदा कर दिया। कहानियां सर असी वो काटते नहीं है। आज मैं अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मेरे को कुत्ता पालना है। तो बोले, बेटा कुत्ता पालेगा? हाँ। वो बोले, ठीक है पाल ले। फिर मैं अपने मम्मी के पास गया, मम्मी मम्मी मेरे को कुत्ता पालना है। तो बोले, वाह बेटा कुत्ता पालेगा, पाल ले। फिर मैं अपने भाई के पास गया, बोला, भाई भाई मेरे को कुत्ता पालना है। तो बोले, ठीक है पाल ले। फिर मैं अपने दीदी के पास गया, बोला, दीदी दीदी मेरे को कुत्ता पालना है। तो बोले, वाह भाई वाह, तू कुत्ता पालेगा, पाल ले। मैं बोला, ठीक है। फिर मम्मी पापा बोले, तू तेरे को इतना आसान लगता है कुत्ता पालना, तूने कभी पाला है कुत्ता? फिर मैं बोला, आप लोग कैसे बोल रहे हो, आप लोगों ने तो कभी कुत्ता पाला ही नहीं है, तो फिर आप लोगों को कैसे पता? फिर बोले, मम्मी बोली, इधर आ इधर आ। फिर आने के पास खड़ा करा के बोली, देख हमने पाला है कुत्ता, ये यार भाई दिल से बुरा लगा यार। कैसा लगा मेरा मजाक? ओ कोकम रानी साहब ने वाकया बयान किया जी, कुत्ते ने जनाब शेर नु चीर फाड़ दिता। गोरे ने सुन लिया ना, उन्हें कहना यार ये शेर जेड़ा ना, शेर का कोई निका जा बच्चा होना है, कुत्ता कोई पता नहीं कोई वड्डे साइज का होना है, नहीं लेकिन वो ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि वो शेर वो सी जो पूरी गाय खा जाता सी, इंज होता है वाला। तो ये कहते हैं नहीं हमें फखर है, हम गौसे पाक के कुत्तों के कुत्ते हैं। खत्म, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं।